रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि विकसित भारत संकल्प पत्र यानी कि मोदी की गारंटी कार्यक्रम जेपी नड्डा ने केंद्र कार्यालय से इस कार्यक्रम को लॉन्च किया। मिस्ड कॉल कर नमो ऐप और एलईडी गाड़ियां और 6000 पेटियों में से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक पेटी रखी जाएगी जिसमें लोग अपना सुझाव देंगे जिसे संग्रह कर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाया जाएगा। इसी सुझाव से बीजेपी अपना संकल्प पत्र बनाएगी क्योंकि बीजेपी जो संकल्प लेती है उसे पूरा करती है। ये आज से स्टार्ट हो गया हमारे झारखंड में, आज से प्रारंभ हो गया। अब निश्चित रूप से है कि भाई ये अभी चलेगा और कम से कम 1 करोड़ लोगों का ये सुझाव लेना, ज्यादा जो भी हो जाए। एक पेटी सर विधानसभा वाइज चाहिए, एक विधानसभा में एक पेटी लगाई जाए। आपके क्षेत्र में कहाँ रहेगी? अभी हम लोग तय कर रहे हैं जी, और मुझे लगता है कि महानगर कार्यालय चूंकि हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में है, कहीं उपयुक्त स्थान पर जहां हर लोगों की पहुंच हो वहीं पर लगाई जाएगी। और ऐसा भी जगह भी नहीं लगाई जाएगी कि रातों रात को इसको उठा। इधर भाजपा रांची महानगर कार्यालय में रांची के सांसद संजय सेठ के द्वारा भी विकसित भारत मोदी की गारंटी संकल्प पत्र सुझाव अभियान के संदर्भ में प्रेस वार्ता की गई जिसमें सांसद संजय सेठ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिसने विकसित भारत की परिकल्पना की है और इसे पूरा करने का वायदा भी किया है। देश की आजादी का ये अमृतकाल चल रहा है और भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश विकास में एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव, उनकी आकांक्षाओं और विचारों को जानने का लक्ष्य रखा है। पाकिस्तान देश है, उसके छात्र भी हमारे तिरंगे के नीचे से निकले। यह नया मोदी का नया भारत है। जब दुनिया मान चुकी है कि मोदी का नया भारत है, तीसरी बार मोदी आ रहे हैं और तीन, आप कह सकते हो भाजपा 370 और एनडीए 400 के पार, तभी मोदी ने कहा कि हम जो मेरा संकल्प होगा विकसित भारत मोदी की गारंटी वाला जो संकल्प होगा, जो हम संकल्प जारी करेंगे जिसको हम कहते हैं आम भाषा में घोषणा पत्र, उसमें 1 करोड़ से योजना है कि 1 करोड़ से ऊपर से लोगों को लगभग ये बॉक्स है हर विधानसभा में ऐसे लगभग। गिरिडीह शहर के सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत डीईओ नीलम आलिन टुप्पो ने किया। झारखंड शिक्षा परियोजना के तत्वाधान में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य नए नए अन्वेषण को बढ़ावा देना है। यहाँ से जो बेस्ट चुनकर जाएंगे वो 3 राज्य स्तर पर भाग लेंगे और जिले का नाम रोशन करेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना के तत्वावधान में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस विज्ञान प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य नए नए अन्वेषण को बढ़ावा देना, नई खोज, बच्चों के विचार जिसमें कुछ नयापन है उसको एक मंच प्रदान करना है। विभाग ने पहले प्रखंड स्तर पर इसका आयोजन किया था और हर प्रखंडों के 3 सर्वश्रेष्ठ मॉडल को जिला स्तर पर के लिए आज बुलाया गया है जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट किए हुए हैं। उम्मीद है कि यहाँ से जो बेस्ट चुनकर जाएंगे फिर 3 वो राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेंगे और गिरिडीह का नाम भी रोशन करेंगे। साथ ही ये बाल वैज्ञानिक अपनी जो उनकी सोच है नई चीज़ों को उसको मंच प्रदान करवाएंगे। पाकुड़ के मनीरामपुर पंचायत में अबुआ आवास चयन में मुखिया पर लगे अनियमितता के आरोप के बाद पाकुड़ जिले के विभिन्न क्षेत्र के मुखिया समाहरणालय पहुंच गए। लोगों की ओर से कहा गया कि अबुआ आवास निर्माण के लाभुकों का चयन प्रक्रिया में सिर्फ जिला प्रशासन के आदेश पर जिला पदाधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा ही किया जा रहा है और किया गया है। मुखिया का सिर्फ जिला द्वारा गठित टीम ने सहयोग लिया, अबुआ आवास का चयन प्रक्रिया में मुखिया की कोई भूमिका नहीं है। अबुआ आवास को लेकर के हम लोग उपायुक्त महोदय के पास भेंट करने के प्रसंग है। मनीरामपुर पंचायत जो पाकुड़ प्रखंड के अंतर्गत आता है,
अबुआ आवास के चयन प्रक्रिया में मुखिया का कहीं कोई भूमिका नहीं है। हाँ, सहयोग के लिए कहा गया था विभाग द्वारा, हम लोगों ने सहयोग जरूर किया है, लेकिन चयन प्रक्रिया में मुखिया का कहीं कोई भूमिका नहीं है। प्रत्येक पंचायत में 1000 से ऊपर आवेदन आ गया था जनता दरबार के दौरान, लेकिन उस 1000 से ऊपर जो आवेदन है उसके अंतर्गत सिर्फ 40 अर्थात 20 से 40 व्यक्ति को ही आवास मिला है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में हुए टकलू लोहार हत्याकांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हथियार के साथ इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बीते 1 फरवरी को पांडे घाट में चौधरी होटल के सामने टकलू लोहार की हत्या कर दी गई थी। SSP किशोर कौशल ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस की टीम ने NH-33 मुखिया डांगा के पास से इन दोनों को गिरफ्तार किया है। DSP के नेतृत्व में किया गया था और उनके द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए पहले 2 अपराधकर्मी जो इसमें शामिल थे, सुजल बहादुर और भोटे और मुन्ना अधिकारी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और वो टीम लगातार इस पर काम करती रही है, अभी भी कर रही है। और इसी दरमियान इस प्रकार की एक सूचना मिली थी कि 2 और अपराधकर्मी जो एक तरीके से पेशेवर अपराधकर्मी हैं, पहले से भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं, जेल जा चुके हैं, वो 2 अपराधकर्मी की सूचना मिली जिस पर कि उस टीम के द्वारा जाकर के दोनों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें एक का नाम सौरभ यादव उर्फ साहिल यादव उर्फ गोलू है और दूसरा रघुनाथ मन्ना उर्फ रघु है, जिसमें एक परसुडी का और दूसरा कदमा का रहने वाला है। इन दोनों को NH-33 के पास मुखिया डांगा से गिरफ्तार किया गया है और इनकी निशानदेही पर 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धनबाद आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काफी उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर SPG की टीम धनबाद पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद के सिंदरी में बनकर तैयार हर्ल फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा भी करेंगे। PM के आगमन को लेकर धनबाद सांसद PN सिंह ने बरवाडा एयरपोर्ट में निर्माण किए गए भव्य पंडाल का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश भी दिए। लोहरदगा के किस्को प्रखंड के सुदूरवर्ती गांवों और वहां पर हिंडालको कंपनी के नए नियमों से मालिकों और चालकों में नाराजगी देखी जा रही है। उग्रवाद प्रभावित पीए पाखर पठारी क्षेत्र है जहां पर हिंडालको कंपनी संचालित है और इसे लेकर नाराजगी है। पाखर में संचालित हिंडालको बॉक्साइट कंपनी द्वारा नया नियम लगाया गया है जिससे ट्रक ऑनर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सूचना पर आदर्श मोटर परिवहन सहयोग समिति लिमिटेड एसोसिएशन के अध्यक्ष नजरुल हसन ने खनन क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया और कंपनी के द्वारा लागू किए गए नियमों को जाने की मांग की है। साथ ही ट्रक चालकों की जायज मांगों पर अपनी सहमति जताई। ट्रक मालिकों और चालकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर त्वरित पहल नहीं करती है कंपनी तो बाध्य होकर वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। नहीं, यूनियन से कोई बातचीत किए बिना यह चीज लागू कर दिया। ठीक है, ऊपर से यह बात है कि अगर यह नियम है तो रोज दिन होना चाहिए। हमारा माइंस पिछला बंद था और इधर 17 तारीख से चालू हुआ और उस बीच में क्या हुआ कि एक दिन खाली गाड़ी का अटक कर रहा कंपनी, किसी का पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है, जो बहुत शर्म की बात है हिंडालको कंपनी के लिए। और ट्रक मालिक जो आज आए हुए हैं, एक्चुअल 3 किलोमीटर खाली गाड़ी आना जाना करती है, 2 बजे दिन तक खाली गाड़ियों का काटा किया जाता है यहाँ। तीसरा शौचालय है, ये 3 मांग हम लोग किए हैं, अभी जमा कर रहे हैं। और इससे पहले भी हम लोग कंपनी को यूनियन के माध्यम से, ऑनर एसोसिएशन के यूनियन है आदर्श मोटर, उसके माध्यम से भी हम लोग जमा कर चुके हैं और इस पर कंपनी कोई सुनवाई नहीं कर रही।
2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां की सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। झारखंड से कांग्रेस की इकलौती सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई। उनके भाजपा में जाने को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। गीता कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री मिस्फिका हसन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के काम और उनके विचारधाराओं से प्रभावित होकर ही लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। किस तरह बीजेपी मतलब तैयारी कर रही है? देखिए, हमारी तैयारी बिल्कुल ग्राउंड स्तर की तैयारी होती है। आप लोग हर कार्यक्रम में देखिए कि हम लोग जो है लोगों तक पहुंचने का भी संकल्प पत्र की बात की करते हैं हम लोग, तो इसमें भी हम लोग जो है प्रत्येक घर में पहुंचने का हम लोग का जो है नारा दिया गया है या निर्देश दिया गया है, तो हम लोग हर घर में पहुँचने का काम करते हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी अगर पूरे देश भर में एक मजबूत पार्टी बन के उभरी है, तो वो इसलिए कि हम लोग हर घर को हर घर में हम लोग दस्तक देते हैं, हर परिवार में हम लोग जाते हैं, तो यही हमारा सबसे बड़ा मूल मंत्र।